ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ गया है। यहाँ पे आज हम लोग आए हुए हैं धरना स्थल पर। यहाँ पे लोग लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, उनके साथ में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनको वो ले करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पास सुनवाई के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ न्याय मंच के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। न्याय मंच के लोगों से बात करते हैं आखिर किन समस्याओं को लेकर के वो धरना स्थल पर आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? सगीर अहमद अंसारी। तो यहाँ पे आप धरना स्थल पे अपनी क्या मांगे लेकर के? मांगे लेके आए हैं महिलाओं के साथ जो है मुकदमा महिलाओं का लिखा गया क्षेत्र में, उसके बाद पुलिस ने FIR लगा दी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था, उसके साथ क्षेत्र गंगा जब हुआ है तो बच्चा भी गिर गया था पेट से। अस्पताल गई, 100 नंबर की जीप पुलिस अस्पताल लेके गई है। अस्पताल में उसका मेडिकल भी हुआ है, फिर FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के बाद FIR लगा दी, इसमें जाँच में पुलिस ने FIR लगा दी। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से आए हुए हैं? 2 दिन हो गए मुझे आए। 2 दिन तो शासन प्रशासन से कुछ बात हुई आपकी? बात हुई, ज्ञापन लेके गए हैं, बाकी तो भी कोई कार्रवाई नहीं, आश्वासन दे रहे हैं, खाली खाली आश्वासन दे रहे हैं। तो अभी आपकी शासन में किससे बात हुई है? वहाँ के वो आए थे, ACM आए थे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर ऋतु वर्मा। तो आप कहाँ से आई हैं यहाँ लखनऊ में? लखीमपुर से। लखीमपुर से। तो यहाँ जैसे जो घटना हुई है आपके लखीमपुर खीरी में, तो वहाँ क्या नहीं सुनवाई कर रहे हैं लोग? सुनवाई क्या नहीं कर रहे हैं कि महिला के साथ इतना हुआ है, इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है। ये अकेली महिला पीड़ित नहीं, उधर के आसपास की बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं। अगर वो आदमी जेल चले जाएं तो शायद उधर 6-7 गांव सुधर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद पैसा इतना प्यारा है, पुलिस को इतना प्यारा है कि FIR लगा देते हैं, उनको अपनी नौकरी का भी डर नहीं है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो पूरा थाना निलंबित हो सकता है। तो आप लोगों ने इसकी जांच की मांग की है? जांच की मांग की है। हम लोग तो चाहते थाना की या पूरा लखीमपुर का इसका बिल्कुल जाँच करे ही ना, लखीमपुर का प्रशासन ही कोई अधिकारी इसकी जांच ही ना करे, क्योंकि वो सब थाली की चट्टे बट्टे एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जब तक वो व्यक्ति हमें, वो जांच तो चलती रहे, जांच चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जांच के नाम पे जो लोगों के साथ ठगाई हो रही है, जो इनके साथ इनका उत्पीड़न हो रहा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जो इनका शोषण हो रहा है, जो ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जब तक हम लोग उग्र नहीं होएंगे तब तक कोई सफलता मिलेगी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट SK सिंघानिया है। तो आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ ही रहता हूँ, इस संगठन में प्रदेश सचिव हूँ मैं। अच्छा। जी। तो यहाँ पे जैसे लोग आपके न्याय मंच जो संगठन है आपका, तो इसमें ऐसी समस्याएं कितनी आ जाती होंगी? जो भी समस्याएं आती हैं सामाजिक स्तर की, उन समस्याओं को हम लोग शासन स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो, और उन समाधान के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा, याचना नहीं अवरण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा अगर शासन प्रशासन ऐसे नहीं सुनेगा, तो हम लोग उस तरीके से भी उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोगों की तादाद बहुत कम है, अभी तो बहुत लोगों को बुलाया नहीं है, फिर पूरे प्रदेश से हम लोग एक विशाल आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो अभी आप लोग इससे पहले धरना कहाँ पे दिए थे? इससे पहले लखीमपुर में एक दिवसीय धरना हुआ था, वहाँ के SP चिनम्पा जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इसकी जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन केवल आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि अपने विभाग का लोग बचाव तो करते ही हैं, पुलिसकर्मी ही उसमें दोषी हैं। 2 पुलिसकर्मी वहां गए, एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ के बाद में उन्हीं के घर वालों पर उल्टा मुकदमा लिख दिया गया और उन 2 लोगों को जेल भेज दिया गया, बाकी लोगों की तलाश की जा रही, पुलिस प्रताड़ित कर रही वहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे ये सब जितने लोग बैठे हुए, ये सब पीड़ित हैं? बिल्कुल पीड़ित हैं, ये तो पीड़ित परिवार हैं, सारे पीड़ित परिवार से आप बात कर सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखीमपुर की। तो जहाँ पे जैसे आप लोग के साथ में जो भी हुआ, तो ये सब यानी कि जब आप लोग गए वहाँ पे, तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसकी कंप्लेंट आपने किस किस अधिकारी से की है? सब कहूँ करें, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम सतीश कुमार है। तो इस आप परिवार में क्या है? ये हमारी वाइफ है, हम इनके हस्बैंड हैं। हमारे गांव में, हमारा गांव ऊंच गांव पड़ता है, हम थाना ईशानगर पड़ता है।
जिला लखीमपुर खीरी। हम लोग घर, हम असल में घर नहीं थे और ये घर थी, और दो पुलिस वाले रामधार तिवारी आनंद और आनंद राम आधार और आनंद तिवारी माचिस के बहाने हमारे घर गए। गांव में दारू पीने के लिए जाते थे और उस दिन बहुत दारू पिए थे, और जब घर गए तो माचिस के बहाने इनको बुलाया कि माचिस दे दो, सिगरेट जलानी है। जब ये माचिस लेकर निकली तो इनका खींच लिए हाथ पकड़ करके, ब्लाउज फाड़ दिए और इनको एक थप्पड़ मार दिया। तब इनके देवर दो निकले, नीरज और धीरज, इनको बचाने के लिए। तो उनको बहुत उसने बुरी हालत से पीट दिया। जब गांव में हल्ला हुआ तो गांव के लोग जब आए तब पुलिस वालों को बंधक बना लिया। तब ईशानगर से बहुत पुलिस आ गई और समझौता हो गया कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये मामला इतनी ही ठप कर दिया जाए। तो और सुबह से हमारे ऊपर 5 आदमियों के मुकदमा लिख दिया उन्होंने, और 5 तारीख को शादी हमारे भाई की थी, शादी भी कैंसिल करवा दी, और पुलिस पीछा कर रही है हम लोगों का, और जहाँ जाते हैं तो पुलिस का मैटर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे अभी किसी आपके अधिकारी से बात हुई है? बात सब कहूँ हुई है, और सब कहीं एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दो लोग जेल में हैं, हमारे पापा और हमारे चाचा। यहाँ पे जैसे हम लोग धरना स्थल पर आए हुए थे, जैसे यूपी में क्राइम का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये आपने पीड़ितों की आप बीती सुना, तो इसके ऊपर भी आप अपने विचार हमें बता सकते हैं कि क्या आपकी तरफ भी ऐसे ही कोई पीड़ित या कहीं कोई कांड होता है, तो आप हमें इसके अंदर कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।